और फिर कोई अच्छा हाल हमारा भी नहीं किया जनाब इंग्लैंड ने। टिम डेविड भी दान निकाल रहा है और उनके जो डग आउट वाले बैठे हैं सारे, जैसे कोहली ने वो कैच पकड़ा बिकॉज सुन तो ले, मुझे ये बताएं बाबर और रिजवान चैंपियन है जी पाकिस्तान टीम के, ठीक है? कितना नीदरलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फनीलैंड, पूरी दुनिया, कीनिया, हर एक से आप खेलते हैं, आज क्यों रेस्ट किया? तो बात करें ना आप बात करें इंडिया की टीम की, जो इंडियंस कहते थे हमारी बॉलिंग थर्ड क्लास है। मॉर्निंग एंड जय हिंद। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग और मोहम्मद शमी की बॉलिंग से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही हैरान नहीं है, पाकिस्तान भी बहुत हैरान, उससे ज्यादा परेशान और बल्कि डरा हुआ है। डरा हुआ है कि भाई ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच हार गई, हार की वजह है रेस्ट, बाबर आजम और रिजवान का रेस्ट। आखिर क्यों लिया रेस्ट? मीम्स बन रहे हैं कि वुड की वजह से तो नहीं लिया कहीं ये रेस्ट। आखिर क्यों आराम फरमा रहे थे, कहीं डरे हुए तो नहीं थे? अब जितने मुंह उतनी बातें। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है इन दोनों मैचेस पर। न सिर्फ दो मैच, बहुत सारे मैच, कई और प्रैक्टिस मैच भी हुए, सब में ही ऐसा हाल था। साउथ अफ्रीका ने बुरा हाल किया, अफगानिस्तान बड़े मार्जिन से जीती, अपसेट का वर्ल्ड कप। देखते हैं कैसा है रिएक्शन। जनाब साउथ अफ्रीका ने तो बहुत ही बुरा हाल किया न्यूजीलैंड का, और फिर कोई अच्छा हाल हमारा भी नहीं किया जनाब इंग्लैंड ने। वो टीम वहां से कामयाब रही, पाकिस्तान को हराया बुरे तरीके से, और फिर एक और भी उधर की टीम है अफगानिस्तान, उन्होंने भी बांग्लादेश की कोई अच्छी हालत नहीं छोड़ी, काफी दुर्गत बनाई है। 62 रन, 62 स्कोर से वो भी जीते हैं, तो वो भी वन साइडेड मैच जो है वो जीते हैं इंग्लैंड वाले, तो जाहिर है कि वन साइडेड ही जीते हैं। और साउथ अफ्रीका वाले तो उन्होंने तो एक साइड उतार के फेंक दी है, क्योंकि उन्होंने तो इतना तगड़ा मैच जीता है। इंडिया वाला मैच एक्साइटिंग था, और एंड पे मोहम्मद शमी, उन्होंने जिस तरह आखिरी ओवर करवाया है, हम यहाँ पे पाकिस्तान में ओवर करवाना कहते हैं, वहाँ पे टर्म जनाब गेंद डालना या ओवर डालना बोला जाता है, तो वो बड़ा ही शानदार था। कोहली की फील्डिंग लाजवाब थी, और देखा हमने वो ICC ने भी डाला जनाब उसका क्लिप काट के, और पीछे जो टिम डेविड भी दान निकाल रहा है और उनके जो डग आउट वाले बैठे हैं सारे, जैसे कोहली ने वो कैच पकड़ा बिकॉज वो मेक और ब्रेक था, निकल जाता कैच तो मैच वॉज ओवर, तो मैच बचाया और कैच और मैच। देखें अक्सर कहते हैं ना, तो ज़रा बात करेंगे कि पाकिस्तान जो इतने बुरे तरीके से हारा है तो इसका कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे, हम ट्राई नेशन सीरीज से जीत के गए हैं और कहीं ना कहीं मोमेंटम हमारे साथ था, तो अगर हम ऊपर नीचे सपोज करो अगला मैच भी अगर हम अच्छा नहीं परफॉर्म करते, तो दोनों वार्म अप मैचेस में अगर हम बुरी परफॉर्मेंस दे के इंडिया वाले मैच में जाएंगे तो साइकोलॉजिकली कितना असर पड़ेगा, और जो जो एरियाज हमारे एक्सपोज अभी हो रहे हैं तो ये आज नहीं एक्सपोज हुए, ये पिछले काफ़ी अरसे से एक्सपोज हो रहे हैं, तो इनमें बेहतरी और सुधार लाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्यों नहीं कुछ किया गया, और अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको कैसे अच्छा यूटिलाइज किया जा सकता है, इस पे बात होगी। बाकी काफ़ी खुशाइंद किस्म की तस्वीरें देखने को मिली हैं जनाब, का प्रैक्टिस में भी शाहीन अफरीदी मोहम्मद शमी के साथ गपशप कर रहे हैं, कोई आपस में कोई ख्यालात का तबादला ख्यालात हो रहा है कि गेंद ऐसे पकड़ते हैं ये वो, जाहिर है वो इतना वो ऑडियो बहुत करीब से नहीं है, ज़रा दूर से ही है, तो अच्छी ये इमेजेस देखने को मिली हैं। बाकी अगर मैचेस की बात करें तो कल अपसेट हुआ था श्रीलंका वाला, आज जनाब गेड़े में आ गया वेस्ट इंडीज, तो क्या ये वर्ल्ड कप की रविश यही रहेगी, अपसेट हमें और भी देखने को मिलेंगे, तो इन तमाम टॉपिक्स में हम गपशप करेंगे। तो ठीक है, हमारे हाल कोई सुपर बात राती तो नहीं होता भाई जान, हूँ राती भी सुपर बात। सुन तो ले, मुझे ये बताएं बाबर और रिजवान चैंपियन है जी पाकिस्तान टीम के, ठीक है? कितनी दफा 66 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप आई है 6 ओवरों में? समटाइम्स आई भी है। मैंने कहा कितनी दफा आई है? समटाइम्स, रेयर। नहीं ये बात आपने लॉजिकल की ना, लेकिन वुड की वजह से नहीं खेले ये तो फिर यार वो तो मैं उसकी बात का जवाब दे रहा था, वो चैंपियन चैंपियन लगा हुआ था दुनिया के, नहीं मेरी बात सुनो, दुनिया की बेस्ट ओपनिंग प्लेयर है, कैसे T20 में इंपैक्ट नहीं, कंसिस्टेंट लॉस इज राइट, आपकी ठीक है, 66 की 6 ओवरों में कितनी बार होता है, कितना इंपैक्ट है, सारी बातें, लेकिन वुड की वजह से। मुझे ये बताएं जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, सुने ना, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फनीलैंड, गनीलैंड, नाइजेरिया, नेपाल, पूरी दुनिया, कीनिया, हर एक से आप खेलते हैं, आज क्यों रेस्ट किया?
चलो खैर है, रेस्ट किया है तो दूसरों को भी मौका मिल गया है। भाई जी ने उस वक्त क्यों नहीं दिया? किस वक्त? जब वो अपना आपके रिजवान और बाबरी आज वो खेलते तब भी रेस्ट किया तब भी। हाँ तो कहे ना डर गए थे ना, गुड वगैरह थे, करण थे, फलाना थे, डर गए। तो आप ये वाला मैच क्यों नहीं खेले? मैं ये सीरियस नहीं समझता हूँ। या वो मैच तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेला रोहित विराट और वो क्या राहुल रोहित तो क्या विराट तो कोई भी मैच नहीं खेला ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मुसलसल मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान में 7 मैच खेले हैं, उधर 5 मैच उधर न्यूजीलैंड में खेल के आए हैं। तो इस ये वार्म अप मैच था, अगर उन्होंने रेस्ट ले लिया तो ले लिया रेस्ट। अब ये कि डर की वजह से ले लिया यार, ये तो कोई बात आप टुक टुक कर रहे हैं। आप करें लिविंगस्टन की तरह 120 मीटर का छक्का, 118 मीटर का छक्का, इस पे बात करें ना। आप बात करें इंडिया की टीम की, जो इंडियंस कहते थे हमारी बॉलिंग थर्ड क्लास है, फुस है, ठुस है, हम वर्ल्ड कप जो है ना ही जाए तो अच्छा है, उस पर बात करें ना मुझसे आप। आज आप देखें बांग्लादेश को आज चारों खाने चित कर दिया अफगानिस्तान ने, 62 रन, इस पे बात करें। आप वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड पे मुझसे बात करें, आप मुझसे बात करें जनाब के आयरलैंड और जिम्बाब्वे में जिस तरह सिकंदर रजा खेला है उस पे बात करें। मुझसे आप ये बात करें श्रीलंका कैसे हार गया जान के, इस पे बात करें। मैं साबित करूंगा कि वो पागल के बच्चे हैं, कोई जान के हारेंगे। भाई आप बात करें, मैंने मना किया नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ इन पे बातें करें, छोड़े बाबर रिजवान को, नहीं खेले होंगे। राइट है, आप तो भाई कौन सी ऐसी टीम है जो चोक नहीं कर रही? ऑस्ट्रेलिया ने एक वर्ल्ड T20 जीता है 2007 से अब तक, और दे वर डाउन एंड आउट, सिर्फ बैटर रन रेट पे वो आए और साउथ अफ्रीका बाहर हो गया। साउथ अफ्रीका ने कितने चोक किए हैं, पाकिस्तान है, इंडिया भी है, इंग्लैंड ने कितने वर्ल्ड कप जो है खराब हुए हैं, न्यूजीलैंड आपके सामने जिस तरह इस वक्त दुम्बे की तरह मार खा रहा है। इसके बाद जनाब कोई टीम बड़ी रह गई है जिसका मैंने जिक्र ना किया? वेस्ट इंडीज देखे, दे आर इन शैम्बल्स, दे आर इन कंप्लीट डिसरे, एंड नॉट टॉक अबाउट श्रीलंका, द वर्ल्ड चैंपियन, द T20 वर्ल्ड चैंपियन, द एशियन चैंपियन। आज देखे कल उनके साथ क्या हुआ है। यह कह देना बड़ा आसान होता है कि जी चोक कर जाते हैं, दे डोंट परफॉर्म। आप ये क्यों नहीं कहते कि आपकी प्लेइंग 11 मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स गलत होती है? ये भी तो आप कहें, आप कहें आपकी कप्तानी में कई दफा ऐसा हो जाता है कि आप बॉलिंग चेंजेस जो है जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, आप कैच क्रूशल छोड़ देते हैं, ये नहीं आप बताते। आपके बैट्समैन कई गलत जगह आउट हो जाते हैं, आप ये भी नहीं बताते। भाई बॉलरों को क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान है, लेकिन भाईजान प्लेइंग 11 भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि नहीं है? बिल्कुल बात तो सही है, बात बिल्कुल सही है कि बॉलिंग और बैटिंग का बैलेंस ही जिताता है भाई। अगर बैट्समैन फ्लॉप हो जाए तो पीछे कोई होना चाहिए, इसलिए बैट्समैन जरूरी हैं, एंड में भी टेल में भी जरूरी हैं। और अगर पूरी टीम कोलैप्स ही कर जाती है तो भाई ऑप्शन बैट्समैन को बैट्समैन की भरमार करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बॉलिंग से ही समझौता कर लिया जाए, तो बैलेंस बहुत जरूरी है। और जो आपने थंबनेल में देखा डरना बहुत जरूरी है, वो भी सही है। कितना सही है आप अपनी कमेंट करके राय बताइएगा। क्या होने वाला है 23 को, क्या है आपकी प्रेडिक्शन, क्या है आपकी गट फीलिंग, शेयर कीजिएगा हम सभी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।